हेलो गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो इस तरह से दिया है कि हमारे पास तीन साइडें हैं, द स्ट्रेट लाइन ये और एक लाइन हमारे पास यहाँ पे एंड ये फॉर्म अ ट्रायंगल एंड उस बताना विच इज किस प्रकार का ट्रायंगल आपका है। आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और या फिर आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आपका क्या हो गया, आपको आगे देखना है, देखो क्या होगा। तो अब इसके हिसाब से आप क्या बोलोगे, लो समझो ध्यान से। ये आपके पास एक ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं, तो तीनों साइडें बना रहे, पहले मान लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये साइड को मान लेते हैं थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया ए, हो गया ये साइड बी, हो गया ये, हो गया सी। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, सी हो गया एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास तीन साइड हो गए, एक्स प्लस थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा लिखा है आपके पास। तो पहले पॉइंट बी की बात करते हैं। बी पे देखो, बी के लिए कैसे होगा, बी किससे बना, इससे और इस लाइन से मिलकर बना हुआ। इस दोनों के इक्वेशन को लिख लेते हैं, कितना हमारे पास लिखा, पहले इक्वेशन लिखा है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा है तीन एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा, वाई से वाई कट गया, बचे कितना, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी का एक्स वाला हिस्सा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, तो ज़ीरो कामा फोर। इसी प्रकार से इन दोनों को देखो, आपके पास मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये किससे मिलके बन रहा है, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। सब्ट्रैक्ट कर दो, घटाने पर घट जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ बचे आपके पास माइनस टू वाई, ये हो जाएगा ज़ीरो, यानी वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया, ज़ीरो, वाई आ गया ज़ीरो। अगर वाई ज़ीरो हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, फोर, इस वैल्यू हमारे पास आ गई फोर, वाई हो गया ज़ीरो तो इस वैल्यू हमारे पास आ गई फोर। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, ये आपके पास आएगा तो कितना आपके पास होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा एक्स ना, ये देखो इसमें क्या करें, इस फर्स्ट में थ्री से मल्टीप्लाई, इस वाली लाइन में थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा नाइन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हो गया एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या करेंगे, सब्ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक करने पर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा आठ, ये बचेगा यहाँ पे माइनस एट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। देन एक्स इज इक्वल टू के पास कितना आएगा, वन, ये हो गया वन। किसी क्वेश्चन पुट कर लो, अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रखते हो तो यहाँ पर थ्री बन जाए, थ्री थ्री में से फोर निकालो तो कितना बचेगा, माइनस वन, माइनस वन गुजर लेगा तो क्या प्लस वन, तो आपके पास हो जाएगा वन वन। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर आपने रखा है एक्स के प्लस पे थ्री, थ्री बन जाए थ्री, फोर निकले माइनस वन, सही है। अब लग गया लेंथ निकाल लेते हैं, ए बी बोलो कितना आपके पास आएगा, डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो कितना होगा सिक्सटीन, फिर कितना होगा वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, फिर सिक्सटीन हो गया, तो कितना हमारे पास आ गया, फोर रूट टू, 32 था आएगा फोर रूट। इस प्रकार से आप बी सी निकालो, बी सी देखो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, नाइन हो जाएगा, रूट टेन हो जाएगा। अगला सी ए निकालो, सी ए आप निकालो, सी ए आपके पास आएगा फोर, फोर माइनस वन, तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, और ज़ीरो माइनस वन, वन का स्क्वायर वन, तो कितना होगा रूट टेन। दो साइड इक्वल है तो ये हमारा क्या होगा, आइसो सेलेस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।